आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा यूनिवर्सल आलू का मसाला। तो ये मैं पानी पूरी, आलू के पराठे और आलू के सैंडविच, किसी भी चीज़ की फिलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आलू की टिक्की भी आप इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अनियन चॉप कर लिया है एकदम बारीक, और पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। यहाँ पर तेल डाला है, जीरा डाला है, हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली है और साथ में कड़ी पत्ता डाला है। अच्छे से इसको भून लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने बॉईल पोटैटो थे ना, उनको अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है एंड साथ में हल्दी डाली है। तो मैं लाल मिर्ची नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हरी मिर्ची ही खाती हूँ। आप अगर चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं लगती है। अब आपको इसको अच्छे से भून लेना है, मतलब अनटिल थोड़ा सा ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पुदीना की लीव्स डाली है थोड़ी बहुत, और साथ में कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती डाली है, और लास्ट में मैं यहाँ पर हल्का सा लेमन डालूंगी और सॉल्ट डालूंगी। तो लेमन बिल्कुल आपको अगर पसंद है, मेरे को चटपटा पसंद आता है, खट्टा मीठा सब तरीके का टेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये वैसा है, एकदम परफेक्ट बनता है ये। तो ये मैंने पानी पूरी और सैंडविच मतलब किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए बनाया है। तो यहाँ पर मैं सैंडविच बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने मेन डोर में स्वस्तिक बना रही हूँ। हमारे घर के अंदर जो एनर्जीज आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा मेन डोर के थ्रू ही आती है। तो मेन डोर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कि जो भी एनर्जी आ रही है, अगर नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिविटी का वो एकदम कम हो जाए, इसके लिए ये स्वस्तिक डोर पर बनाया जाता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। मंथ में एक बार आप डोर क्लीन करके अच्छे से वाइप करके ये बना सकते हैं। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो हैं, लोगों का ये मानना होता है कि जो स्वस्तिक है जिस डायरेक्शन का आपका फेसिंग है उसके अलग अलग, जैसे कहीं चंदन का बनता है, अलग अलग कलर का बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी फेसिंग होता है, बट मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि स्वस्तिक अपने में ही इतना पावरफुल एक सिंबल है। इसका मतलब ही होता है सु अस्ति, एक संस्कृत वर्ड है। सु का मतलब होता है गुड, अस्ति का मतलब होता है टू एग्जिस्ट, तो मतलब ऑल इज़ वेल इसका मतलब होता है। तो ये इतना पावरफुल सिंबल है, ऑस्पिशियस है, गुड फॉर्च्यून लेकर के आता है। हर हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, उसमें सबसे पहले स्वस्तिक बनाया जाता है। तो ये कभी भी शुभ अशुभ हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ शुभ ही शुभ होता है। तो आप नॉर्मल अपना जो भी आपके घर में कुमकुम यूज होता है, आप उससे ये स्वस्तिक बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एंड ऑस्पिशियस सिंबल है, जरूर अपने गेट पे, अगर आप मानते हैं इस धर्म को, डेफिनेटली अपने डोर पे इसको आप बना के रखिए। इनफैक्ट आपको कोई भी ये बनाने के बाद ईविल आई वगैरह हैंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू करते हैं, बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, माय हेयर आर लुकिंग सुपर अमेजिंग, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूदन आउट लग रहे हैं मेरे बाल। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है अभी ये मामा अर्थ का कर्ट स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। मैं पहले भी इसके बारे में शेयर कर चुकी हूँ, बट दोबारा से इसको शेयर तो करना ही था, बिकॉज दिस इज दैट ग्रेट। ड्राइनेस और जो टेमिंग और फ्रिजीनेस होती है वो हटाने के लिए हम लोग कर्ट यूज़ करते हैं। हमारा बहुत ही पुराना एंशियंट मेथड है ये, बट समटाइम्स यू नो इतना टाइम नहीं होता है कि आप कर्ट लगा सको और फिर उसको इतनी देर रख सको, बिकॉज वर्किंग वेमेन होते हैं, काफ़ी सारी बार आपको जल्दी में शैम्पू करना होता है। तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, कर्ट स्मूथनिंग शैम्पू, बिकॉज ये वर्क बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके अंदर कर्ट और साथ ही साथ हाइड्रोलाइज्ड केराटिन मिला हुआ है। कर्ट होता है वो एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो कि आपके बालों से नेचुरली फ्रिज को खत्म करता है और आपके बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। और जो हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है वो इम्प्रूव करता है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट को एंड हेल्प करता है आपके बालों को स्मूदन आउट करने के लिए। केराटिन इज प्रूवन टू मेक हेयर स्मूदर एज वेल, काफी अच्छे से आपके बालों को ये क्लेंस करता है एंड काफी अच्छा शाइनी बनाता है एंड स्मूद बनाता है। योर हेयर लुक्स अमेजिंग, ऐसा लगता है आपने पार्लर या सैलून से
कोई ट्रीटमेंट करवा रखा हुआ है, इट्स लुकिंग दैट ग्रेट। जो शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली करता क्या है, आपको अप टू 100% स्मूदर शाइनियर हेयर देता है, कर्ड एंड कैरेटिन आपके बालों को स्मूदन आउट करते हैं, जेंटली क्लेंस करता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है ये खुद में ही एक प्रूफ है प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स टॉक्सिन्स नहीं है। तो यस, अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इससे आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल है नायका, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर, बट अब ये आपके नियर बाय स्टोर पर भी अवेलेबल है, तो जब भी आप चेकआउट करें मुझे बताइएगा जरूर। अब तो आई थिंक सबने देख ही लिया होगा, हर जगह आ चुका है। एंड एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ की वेबसाइट से, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो यस, अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से व्लॉग की तरफ। चेकआउट जरूर करिएगा ये शैम्पू एंड कंडीशनर की रेंज को, अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके गाइस, अब एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ और मैं आप लोगों से मिलूंगी। अब मैं जाऊंगी, निशा के साथ जाने वाली हूँ, आज हम लोग दो जगह जाने वाले हैं। मेरी पुरानी सोसाइटी थी जस्ट उसके साइड में जो मॉल था, आज हम वहां जाने वाले हैं एंड साथ में उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली शायद तानिश जाएंगे। जब जाऊंगे तब आपसे मिलती हूँ। काम भी हो गया है मेरा, अभी खा रही हूँ, भूख लग रही है तो सत्तू खाया जाए। डब्बा लेकर ये आ गई हूँ सत्तू का, और ये वैसे नेचुरली काफी प्रोटीन होता है इसके अंदर बना करके। ये देखिए सो आई एम रेडी, एक मिनट लाइट खोलती हूँ, बहुत येल्लो दिख रहा है। हाँ, सो आई एम रेडी। मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है जो मैंने आपको अपने अमेजन हॉल में दिखाया था। साथ में मैं अपना ये वाला बैग लेके जाऊंगी, बड़ा बैग, इसमें पानी की बॉटल वॉटल सब आ जाती है, एंड साथ में स्लीपर्स पहनूंगी। तो या लेट्स गो, यहाँ से मैं जाऊंगी निशा को पिक करने के लिए और फिर हम दोनों निकलेंगे। हम पहुँच गए हैं रुनवाल आर मॉल, मतलब मैं डेली के पुराने ब्लॉग्स आप देखोगे तो मैं यहीं आती थी, तो यहाँ आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद आए यहाँ पे। तो हम लोगों के साथ नोट ये हुआ है, इनको ये टी शर्ट मिला इनके साइज का और मुझे शॉर्ट्स मिला है मेरे साइज का, ठीक है, अपर मुझे नहीं मिल रहा है, लोअर इनको नहीं मिल रहा है, ऐसा है कलेक्शन। मतलब हम आए यहाँ पे बड़े होप के साथ थे, बट देर इज नो कलेक्शन। तो अभी हम आए हैं तनिष्क, अभी हम लोग आए हैं यहीं पे हमारे सोसाइटी में ही, मतलब हमारे एरिया में ये मार्केट है, तो इट्स लाइक अ स्ट्रीट मार्केट, दिखाती हूँ। तो भी है दुपट्टा, दो ले रही हो, एक ले रही, एक ले रही, ठीक है। यहाँ पर इसको क्वालिटी देख लो इसकी, लुक एट दिस, पूरा अंदर ऐसे। तो हम लोगों को आज गृह प्रवेश में जाना है, मेरी एक सब्सक्राइबर है नेहा और वो निशा की बिल्डिंग में ही रहती हैं, तो उनके घर पे, तो उनके लिए हम लोग कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह के ऑप्शंस देख रहे थे कि क्या दे सकते हैं, गृह प्रवेश है तो घर से रिलेटेड चीज़ ही देंगे, तो वही देख रहे थे ये। तो मैं तो यहाँ पे इस शॉप पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा स्टील का, मतलब मैं अपने घर के लिए भी लेने के लिए आऊँगी यहाँ पर। हेलो गाइस, सो इट्स 6:35 राइट नाउ, बहुत चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, मतलब पानी पूरी टाइप से क्रेविंग हो रही है मुझे पानी पूरी खाने की, लेकिन अभी क्या है वेदर इस तरीके का है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर की पानी पूरी मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ 2 मंथ्स में, क्योंकि ये नहीं पता होता है आलू वो लोग सुबह उबालते होंगे, भुस जाता है गर्मी में, तो वो सब रीजंस की वजह से आपको पता ही होगा, मैं पहले भी घर पे ही बना दी थी, और मुझे घर की पानी पूरी फिर ऐसा है कि जी भर के खाओ, बाहर ऐसा है एक प्लेट दो प्लेट खा सकते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। तो मैंने क्या किया है, ये धनिया और पुदीना को अच्छे से वॉश करके रख लिया, और उसमें देखिए मिर्ची भी थोड़ी सी वो कर ली है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जीरा और हल्का सा धना मैं इसमें रोस्ट करूंगी और इसको मैं ग्राइंड मतलब कूटूंगी हाथ से, और साथ में उसमें सौंफ मिलाऊंगी, बट सौंफ को मैं ऐसे भूंजूंगी नहीं, तो हल्का सा इसको मैं भूंज रही हूँ। तो
रेडी होना स्टार्ट करते हैं और इसको ऐसे ही ड्राई होने दूंगी मैं अपने फेस पे बहुत सारा रोज वाटर लगा रही हूँ होने देते हैं उसके बाद ही फेस पे सिर्फ एक कॉम्पैक्ट लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पे कि कोई मतलब नहीं कुछ भी लगाने का कॉम्पैक्ट लगाऊंगी लिपस्टिक लगाऊंगी और एक बिंदी बिंदी लगा लूंगी दैट्स इट हल्का सा जो ब्राउन काजल है वो मैं यहाँ लगा रही हूँ मैं लाइनर नहीं लगाना पसंद करती हूँ मैं ऐसे ब्राउन लाइनर्स ही लगाती हूँ बहुत टाइम से मैंने लाइनर लगाना छोड़ दिया है विक्की नहीं जा रहा है क्योंकि विक्की आ गया है आज ऑफिस से घर मतलब ऑफिस से घर हाँ ऑफिस से घर आ गया बट वो नहीं जा रहा है बिकॉज उसकी कॉल्स हैं बैक टू बैक वो आया इसीलिए था वो भी चलता बट ही इज़ नॉट गोइंग मेरा वैसे खाना खाने का टाइम है 7:00 to 7:30 मैं खाना खा लेती हूँ मतलब मुझे बहुत गंदी भूख लगती है तो अभी मैं जा 7:30 रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी सी पानी पूरी जो है वो सटकार ली है ताकि एकदम जैकेट टूट ना पड़े नीचा बोलती रुचि अपन एकदम जैकेट टूट पड़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा मामा अर्थ की लिपस्टिक्स लगाई हैं मिक्स मैच कर कुरा करके 2-3 शेड्स को मैं चेंज करती हूँ दिस इज माई मेकअप एक बिंदी और लगाऊंगी इयर रिंग्स पहनूंगी चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दिस और दिस इयर रिंग विक्की बोल रहा है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आई विल गो विद दिस वन और मैंने ये ऑरेंज सूट पहना हुआ है बहुत सही लग रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं ऐसी बन बना के चली जाऊँ बट अब बहुत गंदा लगेगा तो मैं इयर रिंग ये वाला पहनती हूँ और हाथ में मैं ये पकड़ूंगी साथ में क्लचर लेके जाऊंगी बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो बाल जूड़ा बना के बांध लूंगी मैं तो चलिए चलते हैं अब बाकी की जो व्लॉगिंग है वो मैं अपने मोबाइल वाले कैम से करूंगी तो या लेट्स गो ओके गाइस तो मैं पहुंच गई हूँ निशा के घर पे मेरा जो गिफ्ट है वो पैक करवा दिस इज द गिफ्ट और ये पैक वैक करा दिया ये मुझे पैक करवाना था हमने ये दिखाया निशा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ खाना खाने बैठेंगे तो बाल बांध लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे क्योंकि गर्मी लग रही है ना हाँ आज विक्की को ऐसे गर्मी लगती पर आज वो ऑफिस से आया है ना बोल गया ऑफिस में तो कहता है मेरे को इतना चक्कर आ रहे हैं आज ठंडे पानी से अदरवाइज विक्की को हमारे गर्मी ज्यादा नहीं लगती पर मुझे ज्यादा गर्मी लगती है तो आज विक्की बोल रहा था कि आज उसको भी बहुत तो बेचारे बाहर से आते हैं तो और फुल स्लीव्स का जो है ना देखो ऊपर चढ़ाया है नहीं पहन सकते निशा फुल कटवा लूंगी भाई नहीं लेकिन बट अच्छा ये पूरा ही करा लूंगी हाँ भाई भाई करूंगी और आप आओ सामने नहीं ना जी मैं मुझे मत ए ऋषि इनको डाल दूंगी मैं ऐसे करती रहती हूँ उसमें कुछ नहीं है जैसे आप हो मेरी दोस्त वैसे ये सब भी देख रही हो मेरी दोस्त मेरे को देखो मैं कैसे पैर वैर फैला के बैठी हुई हूँ हालांकि यही बिल्डिंग में पहले ऊपर जाना है हम लोग पहले घर पे जाएंगे और फिर आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ हमारी निशा और ये निशा की फ्रेंड निशा के भाई की एंगेजमेंट की जो ट्रूजो पैकिंग है वो इन्होंने ही करी है तो हम लोग मिलके आ गए अच्छा लगा बहुत स्वीट वैसे हम लोग को इतनी भूख नहीं लगती मतलब ये तो 3:30 बजे खाना खाने मतलब मैं फिर भी टाइम से खा लेती हूँ ये 10:30 बजे खाती हूँ इतनी भूख लग रही है मतलब और आज पता है ऐसे लग रहा है जन्म जन्म के आज ऐसी शांति आज है निशा दीदी से मुझे ऐसे क्यों कर रही है मेरे सामने अरे तो भैया मतलब आज ऐसी भूख लग रही है ऐसी भूख लग रही है जैसे मतलब जन्म जन्म के नेहा और आंटी खड़े हैं सामने जैसे मेरे को बोलती उनके मुंह के सामने बोल रही थी तेजी बोल रही थी मैं नहीं मतलब यार अरे यार मतलब बताओ इन सभी को भूख लग रही तो क्या करें वो क्या करें अरे सभी करते हैं जैसे ठीक है तो हम जा रहे हैं खाने वाली जगह पे टूट पड़ेंगे आइए आपको भी लेके चलते हैं हां चलिए आ गए हम लोग घर घर मतलब नहीं सासू मैया वाली घूम रही है ये खाना बहुत टेस्टी था माहौल बनाएंगे जाम वाम लगाएंगे
ओके अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे चिल विल मार रही हूँ। हाँ तो अभी हम लोग पोशाक पहनने वाले हैं, पूरा लदने पदने वाले हैं, तो चलो वहाँ नहीं 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 फिर स्टिल अपन ना एक जोड़ी लेके जाएंगे, लोअर टी शर्ट, लोअर टी शर्ट मतलब ऐसा कुछ फ्रॉक टाइप है ना, मैं सोच रही हूँ बिकॉज मैं भी लेके जाऊंगी फ्रॉक, क्योंकि फंक्शन गिरने और मरने से अच्छा करने करने को भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब फिर तो आप क्या मतलब ये कह रही हो कि हम पोशाक उतारेंगे फ्रॉक पहनेंगे और आंटी 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 ने चप्पलों से अपन दोनों को बोला मम्मी वो खाना है हमको तो हम लोग बिना पोशाक के नाचेंगे। अरे इसी हॉल हॉल में ही थे ना बट गर्मी लगी ना, ये मेरा टेंशन है। पर एक ड्रेस थोड़ी मैं तो यही सूट रख लूंगी अगर कुछ नहीं तो, कम से कम ये थोड़ा वैसा दिखेगा शादी एंगेजमेंट लाइक भी दिखेगा और ऐसा कुछ फ्रॉक ज्यादा हो जाएगा राजपूतों की शान के खिलाफ है फिर तलवारबाजी भी तो करता है। ओके दोस्तों तो चलिए अब थोड़ी देर से मिलते हैं, कल पानीपुरी खाना है दिन में, मैंने पानीपुरी बनाई थी, ये आएंगे खाने के लिए और मम्मी और शाम को हमको तो चलो शाम को कुछ नहीं बनाना, आंटी ने इनवाइट किया है हम वड़ा पाव खाने जाएंगे शाम को और मैं भी बज रहा है 10:30 और अब तो जाना बनता है ना क्योंकि विक्की का फोन आ गया, मैं गाना गा रही हूं तो थोड़ी देर और ठहर जा, मुझे जाने नहीं दे रही भाई। अब क्या अब 10 के बाद पता फिर ऐसा लगने लगता है मैं भी ऐसी ये देखो मैं कैसी बैठी फैल फाल कर नींद आने लग गया, गाना गा रही हूं तो थोड़ी देर और ठहर जा, कल अब आप आना तब मैं एक गाना गाऊंगी क्या ठहर जा और रुक जा वहीं पे निकलते हैं यहाँ से फाइनली, मत जाओ जान दो नहीं, सुनील भैया को बोलो फिर वो आ विक्की के पास पहुंच जाए मैं यही रुक जाती हूँ, सही में बोल दो जाओ हेलो ओके बाय 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 गुड नाइट। ओके आज है नेक्स्ट डे और मैं भी आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ डायरेक्टली क्योंकि आज मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, मेरे 3 व्लॉग्स बन चुके हैं मतलब ये तीसरा व्लॉग चल रहा है और मैं लिटरली फर्स्ट व्लॉग से एडिटिंग में पड़ी हुई हूँ, तो मैंने आज सब काम छोड़ छोड़ के फटाफट कंप्लीट करके मैंने व्लॉग किया, पानीपुरी मैंने खा ली है, अब मैंने जैसे कल बताया था ना आज हम आंटी के यहाँ जा रहे हैं, आंटी हमको ट्रीट दे रही हैं तो बस वहीं जा रहे हैं, उससे पहले हम दोनों निशा हम लोग जा रहे हैं ऐसे कुछ कुछ सामान ले रहे हैं तो मेरे पास में आर्केडिया सर्कल है वहाँ जाएंगे, तो यस फटाक से चलते हैं यही पहन के जा रही हूँ मैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो अभी हम लोग आए हैं एक शॉप पे आर्केडिया में सूट लेने के लिए, कुर्ते या सूट लेने के लिए आंट के लिए कॉटन में दिखाना। तो जो एंगेजमेंट की डेट है निशा के भाई की वो काफ़ी पास आ गई है, तो हम लोग वही सब कभी कुछ वही सब चल रहा है ले रहे हैं, नॉर्मल पोटली वगैरह देख रहे थे हम लोग, एक ये मुझे एक बैग दिखा था बट ये जैसे ही मैंने उसको टच किया ना इतना तेज़ मुझे चुभा तो मैंने बोला ये बहुत डेंजरस हो सकता है खून वून निकाल देगा, बट ये लग बहुत सुंदर रहा था साड़ी एंड पोशाक पे पहनने के लिए। आ गए हैं हम लोग आंटी की बिल्डिंग के नीचे, आके फिर आवाज़ें आ रही है शी 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 तो ये हम लोगों की ट्रे है सो प्रिटी, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट मेकअप भी लिया, देखिए गाइस हमारे बोले पैक हो गए, अच्छा अभी ये भी डालना है ना सब ले आओ, अभी मेकअप स्टार्ट हो रही है पैकिंग, पैकिंग वाला हमारी पैकिंग नहीं दुल्हनिया को देने वाली जो चीजें वो पैकिंग हो रही है, पहले पेट पूजा करी हमने जबरदस्त तरीके से, आंटी ने वो बनाया वो खाए और अब दुल्हन की हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, घर से निकाल दिया, हम बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, ये इनकी खुद की बेटी इतनी मस्ती कर रही थी कि इनको इनको निकाल दिया था तो मुझे बाहर लॉबी में बैठे हुए चलो 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 खोलो ये नई बहन है कुत्ती बहन रुचि बहन बहुत मार खाएगी यार गाइस, तो आई थिंक कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, आज आप लोगों से मिल रही हूँ, तो मैंने ना अपने घर में कुछ चेंजेस करे फटाक से इधर आती, तो मैंने ना अभी आज कुछ प्लेसमेंट फर्नीचर इधर उधर करा है जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए कि कैसा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमने उस तरफ का जो एरिया है ना वो पूरा बनाया ही ऐसा था कि हम मूव कर सके उसको, अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड निशा निशा के घर पे, उनको प्लांट्स लेना है एंड शी इज़ ए न्यूबी इन प्लांट्स, मतलब शी नेवर केप्ट प्लांट्स एज सच, वो जो 2-3 हमारे सारे हिंदू धर्म में लोग रखते हैं तुलसी जी और वो जो बेसिक होते हैं वो उन्होंने रखे हैं, बट ऐसे इंडोर और डेकोरेटिव प्लांट्स में आई डोंट थिंक सो शी एवर
kept it. तो वही जा रहे हैं हम दोनों लेने के लिए. साथ में मैं अपना डब्बा लेके जा रही हूँ डिनर का, तो हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे क्योंकि मेरा रखा हुआ फिर वेस्ट हो जाता है. लेट्स गो प्लान शॉपिंग के लिए. तो मुझे तो अभी डेफिनेटली करना है नहीं क्योंकि मेरे पास जितने हैं उन्हीं वही अभी मेंटेन हो जाए बहुत बड़ी बात है. बाद में करूँगी जब मैं आऊँगी तब. कैमरा रखती हूँ और मोबाइल वाले कैम से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. तो निकल गई हूँ. आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है तो मैं ऐसे बाल वाल खोल करके मस्त जा रही हूँ. सो यस लेट्स गो. ये है, ये देख के मैं ऐसी लफाई यार. ये बहुत अच्छा लग रहा है ना सही में. निशा आपके घर तो जगह भी है यार. कहाँ रखूंगी मैं बाल कट. ये स्नेक है, साप साप जीजी. ये जीजी है और ये पीस ले लिया. ये जो है ना ये वाइट हो जाएगी. हाँ फ्लावर्स है वो. सुंदर लग रहा है ना. सुंदर लग रहा है वो ले लेती हूँ. हाँ पीस ले लो. वेरी प्रिटी कलर एकदम ऐसा आंखों को सुंदर लगने वाला. एक तो हमने ये लिया है, एक ये लिया है, एक ये लिया है. पीस लिली, मनी प्लांट और ये बिगिनर फ्रेंडली. अभी मनी मनी आएगा. मनी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है फोटो से. इसमें दो कलर के हैं, एक लाइट ग्रीन है और डार्क ग्रीन है, शेडेड है. तो इसमें दो कलर के मनी आएंगे. लिली हम लोगों ने बोलो सब इधर ही प्लांट सेलेक्ट कर लिए हैं और दीदी ने करवाया है. मैंने प्लांट सेलेक्ट करवाए हैं और भैया का कॉन्फिडेंस सोचो इनके हस्बैंड का. ये फोन लगा के बता रही है कि इतना महंगे है ना. ऑब्वियसली प्लांट्स एक्सपेंसिव आते हैं. रुचि कर रही है तो फिर हमें कॉन्फिडेंस से ले लो. सोचो रुचि की बात पे ले लो. उस तरफ भी है. हाँ बड़ा है ना. ओके दोस्तों तो व्लॉग का एंड करना मैं भूल गई थी और यहीं पे व्लॉग खत्म करती हूँ. अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.